अभी जो COVID-19 पूरे भारत को तबाह किए हुए हैं, 4-5 दिन पहले हमने सदर हॉस्पिटल डाल्टनगंज का दौरा किया था। हमें लगा कि पलामू में और भी अधिक बेड्स की आवश्यकता है, यहाँ ICU की और सुविधाओं की ज़रूरत है, तीसरे लहर की भी आने की बात सुन रहे हैं। इन परिस्थितियों में हमने श्री कृष्णा संस्थान से आग्रह किया है कि एक अति शीघ्र इमरजेंसी और ICU वेंटिलेटर के साथ ऐसी व्यवस्था करें जिसमें करीब 100 लोगों को हम लोग ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और दूसरे केयर सपोर्ट दे सकें। और यह परसों दिन रविवार को इसका शिलान्यास होने जा रहा है और हमें उम्मीद है कि 1.5 महीने के अंदर यह सेंटर बन कर के तैयार हो जाएगा और पलामू और इसके इर्द गिर्द के जिला के लोगों को, सैकड़ों लोगों को उसमें जीवनदान मिलेगा। आज के समय का मंदिर, अभी का मंदिर ये अस्पताल ही है, ये ICU ही है और इसके पुजारी ये डॉक्टर, ये पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सेज ही हैं। यही आज जान बचा रहे हैं, आज के देवता भी यही हैं और हमें इनकी मदद करनी चाहिए। पैरामेडिकल स्टाफ्स, डॉक्टर्स, नर्सेज, इनको पूरा कॉपरेट करना चाहिए। अभी कुछ दिनों से 2-4 ऐसी घटनाएं घटी हैं जिसमें डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ्स के मौत हो जाने पर, पेशेंट्स के मौत हो जाने पर लोगों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया है, यह उचित नहीं है। हम मंदिरों में जाते हैं, भगवान से याचना करते हैं, यदि याचना पूरी नहीं होगी तो क्या पुजारी को हम लोग पुजारी के साथ दुर्व्यवहार करेंगे? नहीं, यह उचित नहीं है। अतः सब लोगों से आग्रह है कि संयम बरतें, भगवान की पूजा करें और प्रिकॉशन लें, जो सावधानियां दी गई हैं, जैसे ही पता चले, जैसे ही सिम्टम्स आए, दवा लेना शुरू कर दें। हमें लगता है कि जब दवाई तुरंत रोग से लड़ने लगती है तो मरीज की स्थिति खराब नहीं होती है। जिन लोगों ने इग्नोर किया है, जिन लोगों ने उसको तवज्जो नहीं दिया रोग को, उन्हीं की रोग बढ़ गई है, ऐसा लोगों से बातचीत करने पे निष्कर्ष पता चलता है। तो हम लोग एक नया ICU सेंटर जिसमें करीब 80 से 100 लोगों को हम लोगों को वहाँ इलाज दे सकेंगे, हम लोग रविवार से प्रारंभ कर रहे हैं। आप सबों को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। followup.in लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब www.thefollowup.in